गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह आज की बहुत ही अच्छी है। कल रात मैं देर से सोया था तो मेरी आंखें थोड़ी फूली फूली दिख रही है और मैं जल्दी उठ गया आज। और जब मैं आज अपनी छत पर आया नहाकर तो मैंने एक चीज़ देखा। मैं दिखाता हूँ आपको क्या देखा मैंने। वैसे आज का बादल तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब आज मैं सुबह अपने छत पर आया तो बादल देखकर जितना ही मन खुश हुआ उतना ही थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा इसे देखकर। छत पर मेरे एक असहाय निर्बल कबूतर पड़ा हुआ था, ये उड़ नहीं पा रहा, ये उड़ भी नहीं पा रहा। मैंने इसे दाने दिए खाने को, खा भी नहीं रहा। चल आज मैं भी मार डालूंगा, आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं मैं तो चल घर पे चलो चलो सीधे चलो उधर उधर किधर मत करना कोई को। चल गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया मेरा मुंह गाली कर गई। थोड़ी देर पहले मेरे हाथ तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने इसे अभी उठा लिया क्योंकि ये जब भी उड़ रहा ना तो ये टकरा जा रहा। और इसके भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। चलो देखते हैं आगे। और मैं आज आपको और भी कुछ चीज़ों से मिलवाता हूँ जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। और मेरे सालों का सपना था जो मैंने थोड़ा सा पूरा किया उसे। चलो देखते हैं थोड़ी देर में। काफ़ी डरा सा हम उसे दिख रहा। आई थिंक इसके आँख में चोट लगी है, इसके चोंच में भी थोड़ी सी चोट दिख रही है। खैर पहले से कुछ खिलाएंगे, कुछ खिलाने की कोशिश करेंगे इसे, उसके बाद देखते हैं। मैं इसे ना यहाँ रख दूँगा इसे अकेले, क्योंकि अगर इसे बड़ी के साथ रखूँगा तो बड़ी इसे खा जाएगा। तो बड़ी की बात खुली गई है तो आज मैं मिलवाऊँगा आपको बड़ी से। कुछ खासा दोस्त है मेरा वो, इसे मैं अकेले में यहाँ रख देता हूँ और ये मैं इसे कुछ खाने के लिए ला दूँगा। चलिए मैं आज मिलवाता हूँ आपको एक बदमाश से, तो कुछ खासा ही मेम्बर है हमारे फैमिली का। यो रेडी है? हेलो हेलो, ये है हमारा बड़ी और काफी बदमाश है। हेलो बोलो हेलो बोलो हेलो बोलो हेलो बोलो। इसे जब भूख लगती है ना तो ये हाथ चबाएगा, मम्मी के साड़ियां फाड़ेगा, मम्मी के चप्पल काटेगा। तो ये है बड़ी, तो बड़ी है ऐसा कि है बदमाश। अभी ये खाना खा लिया सुबह सुबह। और उस जिस कबूतर को मैंने अभी पकड़ा इसके साथ रखूँगा तो ये खा जाएगा। ये क्योंकि हो चुका है बहुत ही बदमाश जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसके कुछ कुछ कारनामे मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप देखना इसे। ऊपर चढ़ना है, नीचे रहना ही नहीं। अरे हो गया। ऐसी जिंदगी ना भगवान सबको बख्शे, मुझे भी चाहिए थी ऐसी ही जिंदगी। बट इसे देखो जिंदगी अपने लिए बना के इसको दे रहे। उनके रसूख का तो कुछ कहना ही नहीं। बिन बैग लाया था मैं क्लाइंट्स के बैठने के लिए, बट देखिए इनको, देखिए ये हैं हमारे घर के खास मेंबर, जिनको ना तो खाने में लेट होना चाहिए। अगर इनके खाने में लेट हो गया तो ये घर के किसी भी लोगों को अपना कोई काम नहीं करने देंगे, क्योंकि पहले इनको चाहिए इनका खाना। क्या भाई देख रहे खा के टाइट है भैया, बैठे पड़े हैं खा के एकदम। हमें भी चाहिए थी। अनुलोम विलोम कर रहा अंकित का कहना है कि अनुलोम विलोम कर रहे हैं, शायद अंकित का अनुलोम विलोम ऐसा होता होगा।
इसका लिप दिखाइए, लिप इधर लिप दिखा बड़ी, इसका लिप पूरा ब्लैक ब्लैक लिप्स क्या क्या हुआ क्या हुआ? मैं इसके स्टार्टिंग के कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करूंगा जब मैं इसे लाया था, और ये अभी बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा है मेरा बर्डी बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा है। इनके सुख शांति में कोई खलल नहीं पड़नी चाहिए, हाथ हटा लो भाई, सुख शांति से रहने दो इन्हें। देखिए देखिए इनकी छटपटाहट, कोई इनके बेड में अगर सट जाए इन्हें होती नहीं है बर्दाश्त। एक्चुअली ये बैठने के लिए दिन बैग था, इन्होंने बना रखा है अपना बेड, और अगर कोई इनके बैग को टच कर ले, देखिए बीच में टच कर रखा है, तो इसे बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा ही कुछ है इनका आसिकाना मिजाज, देख लीजिए इनको गुस्से हो जाते हैं फट से, और इन्हें थोड़ा सा डांट दीजिए, देख लीजिए इन्हें अगर थोड़ा सा आपने डांट दिया, ये भाई साहब एक कोना पकड़ेंगे और उधर ही निकल लेंगे, खाएंगे भी नहीं पिएंगे भी नहीं कुछ, आप इन्हें बुलाते रह जाओ, ये नहीं आने वाले, ये अपने मस्ती में, देख लीजिए बेड नहीं छोड़ना इनको, इनको बेड छोड़ना ही नहीं है, अगर किसी ने इनसे बेड छुड़वा दिया ऐसा गुस्सा हो जाएगा। चलो इसको ले चलते हैं इसके बेड पे, बेड पे बेड पे अटा, आज इसके साथ खेलेंगे WWE। हेलो, इधर विवेक बैठा है, और अभी तुरंत हमारे प्लान में एक चेंजेस हो गया, ये अंकित का दोस्त, हेलो करो, और इन लोगों का सडन प्लान बन गया है पुरी जाने का, क्योंकि आयुष के पापा ने उसे इनोवा दे दिया है, तो हेलो बाय, कहाँ जा रहा अंकित? पुरी। कौन चला रहा गाड़ी? आयुष। भरोसा है? कम, थोड़ा कम है बट है। है? पक्का? हाँ। चलो, वैसे आज हम लोग ऑफिस टूर करवाने वाले थे, लेकिन अंकित जा रहा है, तो बिना अंकित के ही करवा लेंगे ऑफिस टूर, क्या? बाय बाय। जा रहा भाई अकेले छोड़ के? पांच छह लोग हैं, पांच छह लोग को भरोसा है? पांच छह लोगों को भरोसा है? हाँ। पक्का? हाँ। ये बाइक तो ठीक चला लेता है ये लोग, अरे देख रहे हो भाई बुलेट। हेलो, आज पूरे दिन के ब्लॉग को शूट करते करते बज चुके हैं शाम के 4, और थोड़ी अजीब सी तबीयत हो रखी है, मन पूरा चिड़चिड़ा टाइप का हो रखा है, कोई कुछ बोल रहा है तो, लेकिन सुबह ऐसा नहीं था, सुबह जब मैं उठा था तो ठीक तबीयत ठीक थी, और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, और जैसा कि दिखाया था मैंने आपको, और दूसरी चीज़ की अभी कुछ क्लाइंट्स भी आने वाले हैं, तो अंकित भी चला गया है, अब थोड़ा सा अकेला अकेला टाइप लग रहा है, देखते हैं क्लाइंट को आते हैं तो मिलते हैं साथ में, बाकी देखते हैं क्या डील लेनी है, क्या उनको चाहिए, क्या उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, चलिए आने दीजिए क्लाइंट को, मिलते हैं। बाहर क्लाइंट आ चुके हैं, रिसु ने मुझे बताया अभी, चलिए देखते हैं बात करते हैं क्या क्या बातें होती हैं उनसे।
कोई खास मतलब लोकेशन जमशेदपुर में? जमशेदपुर में देखिए कुछ भी आपको सब रिपीटेड कंटेंट मिलेगा, तो जमशेदपुर में ऐसा कुछ भी आपको मिल नहीं पाएगा, इसलिए हम पूछे आपको कि बाहर करवा रहे हो या यहाँ करवा रहे हो। अच्छा लोकेशन मिल जाए तो देखिए, ये सर थोड़ा सा रिजॉर्ट वगैरह टाइप का ठीक दिख रहा, लेकिन आप अगर वीडियोज में जाओ तो रिपीटेड कंटेंट ही मिलेगा। अगर कुछ अच्छा लोकेशन है तो बता सकते हो, हम लोग आ जा सकते हैं। लोकेशन रिसोर्ट में आप देखो, अगर यहाँ से बाहर चलो, मेरा ना एक ही डिमांड होता है क्लाइंट से, या तो आप कंटेंट दे दो या फिर पैसे दे दो। ठीक है, कंटेंट दे दोगे तो फिर नेगोशिएबल होगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप कंटेंट नहीं दे पाओगे तो फिर हम नेगोशिएट करके मेरे को कहीं से फायदा नहीं होगा, ना तो पैसे में फायदा होगा ना ही कंटेंट में फायदा। अगर आप कंटेंट दे दोगे तो मैं दिखा के काम ले लूंगा सामने से, ठीक है। आप कुछ भी नहीं दोगे तो फिर दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो भी हम निकाल सकते हैं हम निकाल लिए, ये सब रिपीटेड होगा ही होगा, गारंटेड होगा। कोई अगर अच्छा रिसोर्ट है या कुछ अच्छा लोकेशन है तो बता सकते हैं, जा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप अभी हम कलकत्ता में किए थे शूट, शायद वो भी आप देखे ही होंगे। अगर आप कोलकाता का प्लान कर सकते हैं हम लोग जाने का, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिप घाट का चार्ज नहीं है, ये जो है ना ये यहाँ का चार्ज लेगा। रिसोर्ट नहीं, वहाँ प्रीवेड के लिए प्रॉपर वो लोग एक पार्क बना के रखा, ये जो एफिल टावर ये तो है फैन सिटी ना, इसका अंदर नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा है, ये बहुत प्यारा लगता है। इसी का एप्पल और 2500 पार्क है, पार्क के अंदर में सब ये। और ना सबसे हमको ना सारा चीज़ हम वेडिंग में हम मिस करते थे, हम विदाई मिस कर जाते थे, ये वाला फील ना हम पहली बार विदाई से स्टार्ट किए, ये वाला फील मेरे को मिस नहीं करना था। अब फोटोज देखो फील आएगा आपको, ठीक है। हर बार ना सिनेमेटिक वो सिंदूर दान तक होता है, वहाँ से खत्म हो जाता है, क्यों खत्म हो जाएगा वो कह सकते हैं। मतलब यहाँ के लोगों का मैं ये बता रहा हूँ, ये यहीं का अच्छा, ये कोलकाता वाला तो मुझे पसंद आया, 2500 कोई दिक्कत नहीं है, जब इतना खर्चा करो तो 9000 बार स्टार देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंड ऑफ द टाइम ना कंटेंट आपके लिए ही निकल के आता है, ठीक है, वो भले मेरे पास आएगा। क्या बोलूँ, ये वाला जो वीडियो है मेरे को व्हाट्सएप पे आप कहीं थोड़ा रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ जो थोड़ा सा पैसा चलेगा 10-15 देने में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ 65 दे रहे हैं 70-80 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी जो लगा रहा है, जहाँ एक खर्चा कर रहा है वहाँ 20 और खर्चा कर लेगा, लेकिन सीन ऐसा है कि आप जो देखा आपने ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको जो और भी कहीं से पसंद आ रहा ना वो भी आप मुझे ला के दे दो, टीम कैपेबल है आपके अकॉर्डिंग सारा कुछ, आप जो बोलोगे वो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो अब मैं दिखा रहा हूँ वही होगा, आप जो बोलोगे वो। दूसरे क्लाइंट भी आ चुके हैं, उनसे भी मिलते हैं, पता नहीं आज कितना मीटिंग लेना पड़ेगा, चलिए देखते हैं।
मेरा बजट ज्यादा नहीं है, पहले ही बोल रहे हैं। कितना है मतलब? आप बताइए, आप पहले बताएं, उसके बाद आपने बताया ना, मेरा देखिए हम तो कुछ भी बोलो, तो हमको पता है आप डिमांड ही नहीं करते, कोई बोल दिया होता ठीक है, आप फिर बताइए क्या बजट है, उसके अकॉर्डिंग हम पहले बता देंगे। इधर मैडम बोलेगी नहीं, हम पहले इनका सुनेंगे। नहीं नहीं आप बताइए, आपको तो जानते हैं। हाँ बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोलने बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है। छठ घाट देखा है? उसी का जस्ट बगल में। अच्छा मतलब क्लब में है ना? हाँ क्लब में है। अच्छा तो रेफ्यू होना चाहिए और वीडियो अगर हो पाए, वीडियो तो करना ही है क्योंकि डीजे लगा रहे हैं, डांस का जो होगा रिकॉर्डिंग और केक कटिंग होगा और जो भी है माला वगैरह पहनाएंगे, उस बस यही फंक्शन है और क्या। और उसमें कुछ वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए आपको, कैंडिड वगैरह चाहिए फोटो में? कैंडिड मतलब फोटो चाहिए, कैंडिड चाहिए? आप जब उस समय शादी में लिए थे उस टाइप के फोटो चलेगा, कोई कैंडिड भी था और ट्रेडिशनल भी था, दो था। कैंडिड मतलब क्या, जैसे कि है ना जो है आपका आप बताइए एल्बम चाहिए और नॉर्मल रहेगा और कैंडिड नहीं, कैंडिड चाहिए आपको भी पता है, नॉर्मल जो हम बेस है जो लेके जाएगा हम आपको ज्यादा नहीं। ठीक है, आप कम से कम एल्बम का क्या बोले, और भी है मेरे तरफ से तो रेफर होते ही रहे। विदाउट कैंडिड कौन सा रहेगा? कैमरा का सारा फुल फ्रेम रहेगा, मिररलेस रहेगा, नहीं तो फुल फ्रेम रहेगा। पेन ड्राइव में दिए ना? हाँ पेन ड्राइव में। अपना कैमरा का चार्ज और जो अपना चार्ज होगा वो तो लेगा ही लेगा, तो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आया उसका हमको बेस्ट लगा था, सही बता रहे, मजा आ गया, मतलब अच्छा लगा देख करके, बहुत बोलते इतना अच्छा किया। सुबह से क्लाइंट मीटिंग लेके मैं हो चुका हूँ टायर्ड और फिर अभी एक क्लाइंट के पास जाना पड़ रहा है मुझे सोनारी, ये लास्ट मीटिंग है, अब नहीं हो पाएगा मुझसे, तो चलते हैं। और अफसोस कि आज भी मैं आपको ऑफिस टूर नहीं करवा पाया, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करवाऊँगा, तो देखते हैं पहले इस क्लाइंट के पास चलते हैं और इनसे मिल के फिर आज कहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में पूरे ऑफिस टूर के साथ, चलिए चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्लाइंट का स्पेशल डिमांड है कि बड्डी को लेके आना, तो बड्डी भी हमारे साथ हो चुका है गाड़ी में सवार, तो देखते हैं बड्डी को। बड्डी बैठ चुका आसन लगाकर, बड़ी चलते हैं मिलने, लेट्स गो। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं क्लाइंट के घर पे, तो मेरे साथ रितु भी है और बड्डी भी आया, बड़ी रितु साथ में, चलते हैं दीदी के पास। फाइनली मैं पहुंच गया एक आंटी के घर पे। हेलो आंटी। हेलो बेटा। हेलो रिया जी। हाय। और दीदी बड़ी के साथ परेशान है, कैसे दिया आप? हाय हम ठीक है। इनके स्पेशल डिमांड पे बड़ी को हमको इधर लेके आना होता है। दीदी एंड रिया जी बड़ी के साथ खेलते हुए, बड़ी पूरे घर पे राज करता है, कोई ना क्या दिक्कत है बड़ी, इतनी पूछताछ तो मेरी भी नहीं होती जितनी बड़ी की हो रही है, बहुत केयर होता है भाई बड़ी को, अगले जन्म भगवान मोहे कुत्ता ही कीजो। चलो देखिए भाई, मिठू झा बहुत डिमांडिंग है बड़ी, है ना? दूध का पैकेट लेके आओ। तुम लोग तो ना जिसके मंत्री के घर हम गए थे ना, वहाँ पे जो कुत्ता देखते तो
उसका बाल, तो इसका स्प्रिंग जैसा ही बाल होगा। नहीं यार उसका तो इतना छोटा सा, वो इतना क्यूट सा, उनको बैठना पड़ेगा यहां पे, तुम किचन नहीं जाना है। क्या खा रहा है वो? किचन नहीं जाना है तुमको, किचन नहीं जाना है। रिया जी एक्सीडेंट होके बैठा ना रिया जी, बहुत बुरी तरीके से, एक दिन में तीन तीन बार, पहली बार सियाना स्टैंड पे लगा गिर गए, दूसरी बार चलते चलते स्लोप वाले रास्ते में दम से गिर गए, तीसरी बार डिवाइडर में जाके गिर गए, कमर में चोट लग गया, ट्रेजेडी हो गई। पूजा के दिन बंद हो गए, यहाँ बड़ी का धूल बहुत ज्यादा है, हाँ तो कुछ कर नहीं सकते यहाँ। हिमंत संगीत गर्ल्स पूजा मैदान में होगा? ओह हिमंत संगीत गर्ल्स पूजा मैदान में होगा, कुछ जस्ट कंफर्म नहीं सुन रहा। मुल्तानी मट्टी लगा का है, हमको उससे क्या है, हमको अपनी वीडियो खूबसूरत दिखाना है, ये चाहे मत डालना था तुमको ज्यादा सब उसको बाय करने में उसी को बाय कर रहा है। बड़ी इनको रहा नहीं गया, ये फिर से नीचे आ गई बड़ी को देखने। इतना टेंशन तो अटेंशन सी करे बड़ी। बड़ी चले, फाइनली आज का काम खत्म, तो निकलते दी, बाय बाय, ठीक है निकलते दी, बाय 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 बाय। फाइनली आज का काम ख़त्म हुआ, अभी जस्ट मैं आया ऑफिस अपने उनके घर से, और मुझे लगता है बहुत देर हो गई है, टाइम देख लेता हूँ, रात के 11:30 बज गए भाई, क्या बताऊँ। मेरा सर हल्का हल्का पेन हो रहा क्योंकि दोपहर से ही बहुत हैक्टिक टाइप हो रही थी, तो फिर भी अंकित था नहीं, सारा काम अकेले करना पड़ा, नहीं तो अंकित को भेज देता मैं। रात के 11 बज गए, चलो फाइनली गुड नाइट फ्रेंड्स, बाकी आप अपना प्यार बनाए रखो हमारे वीडियोस पर, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।